हेलो दोस्तों, तो अभी यहाँ पे बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मसाला बन रहा है और ये आलू कट करके रखे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आलू और गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, कट करके रखी हुई है। बस थोड़ा सब्ज़ी बनानी है और फिर बनाती हूँ चाय। फिर चाय पी लेते हैं फटाफट से। मैं सुबह जल्दी, मतलब हमारे घर में सभी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4:15 में तो उठ ही जाते हैं हम लोग। अब रूटीन हो गया, गर्मियों में भी हम इसी टाइम पे उठते हैं और सर्दियों में भी। तो चाय बन चुकी है मेरी, आप लोग भी पी लीजिए। और यहाँ सब्जी अभी बन रही है तो मैंने बोला चलो चाय भी बना देती हूँ। और तो ठीक है, चलिए फिर हम लोग पीते हैं पहले चाय, तब तक मेरी सब्जी बन जाएगी। ये सब्जी मेरी बन चुकी है और यहाँ पे दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ धनिया भी मैंने धो के रखा है, तो उसे धनिया काट के डालती हूँ। तो अभी मेरा बहुत काम बचा है, ये अचार बनाना है और आज मैंने घी भी बनाना है, काम ही काम है। तो चलिए थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खा के आते हैं छत की। तो अभी बज रहा सुबह का 7, लग नहीं रहा 7 बजे। इतने प्यारे प्यारे फूल खिले, बस ये फूल पत्ते जैसे हैं लेकिन फूल लग, उनका नाम क्या कहते हैं पता नहीं, बहुत अच्छे छोटे से, फिर इतने बड़े बड़े से है ना। और अभी सब फूल सोए हुए हैं, छोटे छोटे सारे फूल सोए हुए हैं अभी। तो चलिए फिर छत में चलते हैं। सुबह सुबह अच्छा ही लग रहा छत में वैसे, लेकिन ठंडा लग रहा, कोई बात नहीं। और देखिए वो नीचे खेत, हमको ना ठंडा लग रहा है वो नीचे। मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं। पता है हमारा क्या है, हम तो बस ठंडा लगा बिस्तर में घुस गए चाय पी, लेकिन आप देख सकते हैं पानी इतना ज़्यादा ठंडा, नदी का ना मतलब पैर के नसें खून सब जम जाता है, इतना ठंडा पानी हो जाता है, होता है अभी। फिर भी बेचारे काम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बर्तन में कर रहे हैं तेल गरम, और जब तेल गरम हो जाएगा ना हल्का हल्का सा, और मतलब फिर मसाले डाल देंगे अचार वाला, ताकि जले ना, ज़्यादा गरम तेल नहीं किया था। तो बस इसको डाल के इसको इसमें अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट पका लिया था, ज़्यादा नहीं, इसको ठंडा करके। तो बाद में जो हमने लाल मिर्च कट करके रखी थी ना, उसके अंदर भर देंगे। मैंने कुकर में डाल दी है मलाई, बस अब इसका भी काम करना है, फटाफट निपटाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर। लग नहीं रहा कि आज की तारीख में और आज के दिन में और आज के समय में ये मेरा घी बनने वाला है। तो अभी दिखाती हूँ, पता नहीं आज क्या इसको हो गया है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आज पता नहीं ऐसे, इससे आगे ना ये हो ही नहीं रहा मक्खन, मतलब बन ही नहीं रहा, ऐसे ही रह गया है। तो अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं, खाना भी हमने खा लिया तब भी इसको छोड़ रखा है। अब पहले बर्तन धो लेती हूँ और अभी ये अचार में भरना है मसाला। तो अपना रेडी को मैं देखूंगी, शाम को ही बन जाएगा, तो क्या करूँ फिर। ठीक है फिर, चलिए मैं पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ और उसके बाद बनाना है मैंने अचार, मतलब अचार बनाना क्या है, मसाले भरने हैं। ठीक है,
देर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार घी बन रहा। टाइम आप देख सकते हैं 2:45। ये आज घी कम बीरबल की खिचड़ी ज़्यादा बन गया, तो इसी घी का जागता उदाहरण बीरबल की खिचड़ी बना रहे हो क्या वाला उदाहरण आज मेरे घी के साथ हो गया है। तो बस एक सेकंड है बेटा, तो यहाँ पे हो गया एक सेकंड। जब धूप में जाओ ना सर्दियों पर छत पे ले जाने में कुछ नहीं होता, लाने में लाने प्रॉब्लम जाती है। तो सच में इतना ढेर सारा सामान छत में जाना पड़ता है, पानी की बोतल बिछाने जैसे बैठते हैं वो, और कुर्सियाँ ऐसा बहुत कुछ, कपड़े शपड़े बहुत हो जाता है। तो ठीक है चलिए इसको बनने देती हूँ। अब इसको पकने की खुशबू नहीं आई अच्छी वाली, मुझे तो आ चलिए फिर नहीं आ रखी, तो अच्छी सी खुशबू आती है। चलिए ठीक है फिर इसको बना। अचार हमारा लेकिन थोड़ा मसाला कम पड़ गया, इतने बच गए। अभी इसके लिए और मसाला मेरे को लाना पड़ेगा तो फिर बन पाएंगे। कोई बात नहीं, जब तक ये बन जाएगा खुशबू खुशबू देखकर ज़रा मन कर रहा भी खा लें। और वहाँ बन रही है चाय, और जो तेल था ना इसमें अभी तेल दोबारा गर्म हो रहा है। देखिए इसमें मसाला बनाया था, इसमें तेल गर्म करके थोड़ा सा इस वाले जो अचार का डब्बे में उसको डाल देते हैं, और यहाँ पर बन रही है चाय। तो बस ठीक है फिर अम्मी अम्मी मतलब पहाड़ी में मैं को मी बोलते हो गया। अब तो आप करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग, ठीक है फिर चलिए ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। और आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, जैसा भी लगा तो बता दीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो बोलते हैं सब कर दीजिएगा। बाय।